हेलो बच्चों, क्या हाल है? चलो आज ना हम टाउटोमेरिज्म की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। तो टाउटोमेरिज्म को सीखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप पहले तो इंपॉर्टेंट स्टेप्स देख जाओ। क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं? पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है अटैक ऑफ बेस ऑन 5 टाइप्स ऑफ कीटोन। देखो, ये टाउटोमेरिज्म सिखाने के अलग अलग तरीके हैं। लोग बहुत सारे अलग अलग तरीके से सिखाते हैं। आप यूट्यूब पर अगर वीडियोज देखोगे तो देखोगे लोग पहले तो जब टाउटोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं तो पहले ही उसके 5 6 नाम बता देते हैं। मेरे नजर में टाउटोमेरिज्म के इतने सारे नाम बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, कभी पूछा ही नहीं जाता है। तो इधर उधर की बातें किए बिना मैं ना सीधे सीधे जितनी काम की बात है, टू द पॉइंट जो बातें वो सारी कर रहा हूं। और मैं ऐसे भी विश्वास नहीं रखता इधर उधर की बातें करने में। जो बातें पूछी जाती है पहले आपको वो आ जाए, उसके बाद फिर इधर उधर की बातें आपको आपको बताई जाए। ठीक है, तो सीधे हम अटैक करते हैं टाउटोमेरिज्म को। धाकड़ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? तो पहले आपको बेस का अटैक करना चाहिए 5 टाइप के कीटोन पर। कौन से 5 टाइप के कीटोन है देखते हैं इसके बाद, बट पहला पॉइंट ध्यान से सुन लो। 5 टाइप ऑफ कीटोन, इन पर अटैक ऑफ बेस आना चाहिए। बेस कौन कौन से भाई? तो बेस भाई OH माइनस और DO माइनस, OH माइनस या DO माइनस, ड्यूटेरियम रिप्लेस कर देगा इसे। ठीक है, अच्छा देखो इस वीडियो में, चूंकि ये वीडियो कनेक्टेड इस बात से कि क्लासरूम में स्टूडेंट्स क्या पढ़ रहे हैं और क्लासरूम में आगे उनको रिवाइज करने में, इससे इस वीडियो लेक्चर से जो है वो ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल हो जाए रिवाइज करने के लिए, या अगर कभी किसी ने क्लास अगर मिस कर दी है, या फिर जितने भी ऐसे लोग हैं जो क्लास में ध्यान नहीं देते उनके लिए, एक्चुअली सभी के लिए वैसे तो, बट बेसिकली उनके लिए जो लोग थोड़ा भी डाउटफुल है, क्लास छोड़ दी है, बदमाशी की है, नई क्लास अटेंड की है, बेसिकली उन्हीं के लिए हमने बना करके यहाँ पर रिकॉर्ड करके रखना है। तो आप देखोगे नोट्स में भी हमने कुछ इसी तरह से अप्रोच लिया हुआ है। तो पहला पॉइंट हमारा कि 5 टाइप्स ऑफ कीटोन पता होने चाहिए, कौन सी कीटोन है और उनपे बेस का अटैक पता होना चाहिए। फिर अल्फा और कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन का बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए, स्पेशली इसका, इस पर बहुत फंसाते हैं क्वेश्चंस। आज भी आप देख रहे थे सुबह के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ना। फिर देखो ये सॉल्वेंट का अटैक, सॉल्वेंट का क्या काम बताया था? प्रोटोनेट करना, हाइड्रोजन लगाएगा ये लास्ट में, जो अनायन होता है उस अनायन को क्या कर देगा? प्रोटोनेट कर देगा ना, और फाइनल आंसर को न्यूट्रल बना देगा। फिर लास्ट में इस बात का डिस्कशन भी कई बार, इनफैक्ट ये डिस्कशन मेरी नजर में क्या है ना कि ये आप जिस बच्चे को अच्छे से आ गया कि टाउटोमेरिज्म में जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है उस पे कौन कौन से स्पेसिस होते हैं ये पहचानने आ गया, तो कॉन्सेप्ट कंप्लीट। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये देख लेते हैं कि 5 टाइप ऑफ कीटोन कौन कौन से, क्योंकि हमें सारे पॉइंट देखने, तो थोड़ी हम ना वीडियो में स्पीड रखेंगे, और चूंकि क्लास में आपने बातें सुनी है इसीलिए फटाफट करते बातें। ठीक है, पहला है 5 टाइप्स ऑफ कीटोन्स। क्या है भाई 5 टाइप्स ऑफ कीटोन? इनफैक्ट के अटैक करवा रहे ना, लिख ही देते हैं हमने यहां पर अटैक ऑफ बेस ऑन 5 टाइप्स ऑफ कीटोन। तो कौन कौन से 5 टाइप्स ऑफ कीटोन है भाई? देखो पहला कीटोन बड़ा सिंपल सा, जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या उठा लिया? एसीटोन उठा लिया। ठीक है, तो इस पर बेस का अटैक होता है तो क्या हो जाता है? अल्फा हाइड्रोजन को हटा देंगे, H2 बाहर निकल गया, ये बन गया। आगे आप इसमें क्या कराओगे बोलो? रेजोनेंस कराओगे। रेजोनेंस करा करके आप क्या बना लोगे? CH3 CO माइनस डबल बॉन्ड CH2, है ना। तो अभी ना हम ज्यादा आगे डिस्कशन नहीं कर रहे, हम बस इतना कर रहे हैं कि पहले बेस का अटैक कैसे होता है वो डिस्कस कर ले रहे। इस पर बहुत बार डिस्कशन हो चुका है क्लास में, है ना। तो क्लास में बहुत बार डिस्कशन हो चुका है तो आपको ये रिकॉल हो गया होगा तुरंत में कि अच्छा ठीक इसी तरह से काम कराते हैं। दूसरा कीटोन है जिसमें ना एक्टिव मिथाइलिन होगा, डायकीटोन्स। आपको पता है डायकीटोन्स के पीके वैल्यूज के बारे में हमने कई बार डिस्कशन किया है कि एलिफेटिक अल्कोहल के रेंज में आ जाता है कीटोन का। वैसे तो एलिफेटिक अल्कोहल से भी पीके वैल्यू बड़ा होता है, यानी एसिडिटी कम होती है, बट जो डायकीटोन से जिनमें एक्टिव मिथाइलिन होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है। क्या बोलते हैं इसे? एक्टिव मिथाइलिन, मिथाइलिन मतलब CH2। तो अगर इस पर आप बेस का अटैक कराओगे तो क्या होगा? ये यहां से हट जाएगा एसिडिक हाइड्रोजन, फिर आप अल्फा वाला नहीं हटाना, ये अल्फा है, ये अल्फा है, बट ये क्या है? मोर एसिडिक। क्यों मोर एसिडिक का पता है आपको? क्योंकि दो दो सी डबल बॉन्ड वो लगे इसके लिए, है ना, ये भी लगा और ये भी लगा। तो यहां पर हमने कर दिया CH2 माइनस CH माइनस CH माइनस CHO CH3।
इसके साथ आप स्टो दिखा सकते हो, फिर फर्दर आप इसमें क्या कर सकते हो, रेजोनेंस कर सकते हो, बट अभी हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। थर्ड बताओ मुझे कौन सा है, फटाफट बताओ थर्ड कौन सा है, साइक्लिक है ना, साइक्लिक वाला बिल्कुल सही, साइक्लिक में आ गया। कुछ लोगों को साइक्लिक मॉलिक्यूल देखते ही जो डर लग जाता है, नहीं होना चाहिए बिल्कुल, इनफैक्ट साइक्लिक वाले तो और भी इंटरेस्टिंग और मजेदार होते हैं, है ना। इस तरह से आप कराओगे और इसी में क्या कर दोगे, फिर फर्दर रेजोनेंस कर दोगे, इस वाले में रेजोनेंस करा दोगे, बट हम अभी ना रेजोनेंस में इंटरेस्टेड नहीं है, अभी हम बस सारे पांच टाइप्स को देख लेना चाहते हैं। डस्ट आ गया यहाँ पर, डस्ट फोर टाइप को यहाँ पर लिख देते, फोर्थ है यहाँ पर, फोर्थ कौन सा है देखो, जिसमें क्या होता है, फोर्थ और फिफ्थ वाले में ना एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स बनने वाले होते हैं प्रोडक्ट में रेजोनेंस की वजह से। OH- माइनस जाएगा यहां से हटाएगा, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक है और अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होगा ना, नेगेटिव चार्ज चूंकि रेजोनेंस में जाएगा तो एसिडिक होना है। देखो ये जब रेजोनेंस में जाएगा तो क्या बनाएगा, फिनोक्साइड है एरोमेटिक, है ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो कैटेगराइज हमने किया है ना, पांच तरह के जो हमने कैटेगरी बनाए हैं कीटोन्स के, एक्चुअली इसीलिए बनाए हैं क्योंकि किसी बंदे को ना अगर टाउटोमेरिज्म समझना है सीखना है तो वो ये जान ले कि ये पांच बेसिक तरह के ना जो अटैक है वो आने चाहिए। अगर आप टाउटोमेरिज्म पढ़ने जा रहे हैं या इनफैक्ट के आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप आगे मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं और टाउटोमेरिज्म नहीं आता है तो भूले, नहीं पढ़ पाइए। टाउटोमेरिज्म बेसिक है मैकेनिज्म को समझने के लिए, मैकेनिज्म पे अटैक करने के लिए आपका हाथ आपका दिमाग टाउटोमेरिज्म पे चलना चाहिए, आना चाहिए। तो पहले देख लीजिए आपको ये बेसिक अटैक करने के तरीके आते हैं या नहीं आते हैं। पांचवा कौन सा है, पांचवा है जिसमें ना कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन आता है। देखिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये कट नहीं रहा होगा, एक बार देख लिया जाए क्या, देख लेते ना कैसा तो नहीं कि ये बोर्ड के नीचे चला जा रहा है। ओह वेरी नाइस, बहुत अच्छे, बहुत जगह। चलो तो यहां पे पांचवे टाइप में हम क्या करें, OH माइनस का अटैक करा रहे हैं। देखो यहां जाएगा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होती है, ये इसमें बहुत डाउट आते हैं जबकि आना नहीं चाहिए, बड़ी आसान सी चीज है। देखो हमने एसिडिटी बेसिडिटी के समय ही डिस्कस किया हुआ है, हर वो हाइड्रोजन जिस हाइड्रोजन को हटाने पे जो एनायन बनेगा, अगर एनायन रेजोनेंस में जा सकता है, एनायन में अगर रेजोनेंस दिख रहा है तो वो एसिडिक होगा, है ना। हाँ कितना एसिडिक होगा, कितना ज्यादा एसिडिक होगा, कितना कम एसिडिक होगा, ये डिपेंड करेगा कि रेजोनेंस कितना अच्छा हो, रेजोनेंस कौन करा रहा है, नाइट्रोजन करा रहा है, ऑक्सीजन करा रहा है या फिर सिर्फ कार्बन करा रहा है। अगर सिर्फ कार्बन रेजोनेंस कराएगा तब तो वो रेजोनेंस कमजोर होगा और उसकी पीके वैल्यू हाई होगी, लेकिन अगर ऑक्सीजन कहीं दिख रहा है तो हमने याद होगा एक बड़ी अच्छी सी ट्रिक बनाई हुई थी कि एक ऑक्सीजन के जो डीलोकलाइजिंग पावर होता है वो 10-10 कार्बन पे डोमिनेट कर जाता है, थाकड़ था ना कॉन्सेप्ट। तो आपको एक ऑक्सीजन दिख गया और हम अगर यहां से हाइड्रोजन हटाएं, यहां पे दो हाइड्रोजन, यहां से अगर हाइड्रोजन हटाएं तो इस हाइड्रोजन को हटाने पर यहां पर आएगा निगेटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज चला जाएगा रेजोनेंस में, गया रेजोनेंस में। जब ये रेजोनेंस में जाएगा तो देखो बिल्कुल चौथे वाले के जैसा बन जाएगा, देखना बना ना चौथे वाले के जैसा बन गया। अब आप यहां कर दो रेजोनेंस, फिर से ये बन जाएगा, देखो बना। तो इसका मतलब चौथा और पांचवा ना एक तरह से सेम रिजल्ट देने वाला है ऑब्वियसली, बट उसका अरेंजमेंट अलग था, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल अलग है ना। इस वाले पोजीशन को ना अक्सर बेंजीन रिंग के रेस्पेक्ट में हमें पता है कि पैरा बोलते हैं, तो अक्सर जो इससे टाउटोमेरिज्म आएगा उसको हम पैरा टाउटोमेरिज्म बोलते हैं। मैं मार्क करके पैरा पोजिशन लिख रहा हूं अलग से, फिर से अब अगले पेज पे यानी कि फिर से बोर्ड मिटा करके मैं फिर से इसको दोबारा एक बार बनाऊंगा, क्योंकि है ये इंपॉर्टेंट, ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आना चाहिए, बार बार आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। पैरा टाउटोमेरिज्म के नाम से भी ये फेमस है। हम क्या करेंगे, हम क्लासरूम में बोलते हैं ऐसी पोजिशन को जो कि अल्फा नहीं है लेकिन है एसिडिक, कंजुगेशन में जाने की वजह से उसे हम बोलेंगे कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन। तो कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन वाला वर्ड हम इसलिए यूज करेंगे ना ताकि जब हम बोले तभी हमें दिमाग में चला जाएगा अरे किसी टाइप ऑफ कंजुगेशन की बातचीत हो रही। पैरा बोलने से वो फील नहीं आता है,
कॉन्जुगेटेड बोलेंगे तो फील आएगा, अच्छा वो पोजीशन कॉन्जुगेशन में है। तो कौन से कॉन्जुगेशन में भाई? निगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में चला जाएगा। आप हटाओ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हटाया, निगेटिव चार्ज आया, वो कहां चला गया? रेजोनेंस में। आप देखो यहां निगेटिव चार्ज आया और फिर रेजोनेंस करके इस अल्टरनेट पोजीशन पर गया, और फिर अल्टरनेट पोजीशन इसका कौन सा बनेगा? ऑक्सीजन। इस तरह से फेनोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो चौथे नंबर में आया। ठीक है, ये हमारे पांच बेसिक टाइप ऑफ कीटोन है, जहां पर बेस का अटैक आना जरूरी है। अभी आपने बेस का अटैक सीखा है, बेस का अटैक के बाद जो स्पेसिस बना उसमें रेजोनेंस सीखा। आपने कंप्लीटली टाउटोमर्स अभी इक्विलिब्रियम में नहीं दिखाए हैं। अभी आपने बहुत बेसिक चीज सीखी है जो कि टाउटोमेरिज्म की स्टार्टिंग है, अटैक ऑफ बेस ऑन एसिडिक हाइड्रोजन। जिस बंदे को बेस एसिडिटी नहीं आती है सही से, उसे एसिडिटी वाला टॉपिक रिवाइज करने की जरूरत है। मैं ट्राई करूंगा कि एसिडिटी का भी कोई अच्छा सा लेक्चर जो अपलोड करूं, ताकि रिविजन में आसानी हो जाए। ठीक है, चलो हम इसे हटा रहे हैं और एक बार पैरा वाला दोबारा बना रहे। ओके, आ जाओ यार, देखो इसी बीच में ये याद दिला दो कि सेकेंड नंबर पॉइंट क्या था। फर्स्ट पॉइंट तो ये था अटैक ऑफ बेस ऑन फाइव टाइप्स, याद आया? सेकेंड पॉइंट क्या? सेकेंड पॉइंट था कि अल्फा हाइड्रोजन और कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन पहचानना, है ना। उसके बाद फिर अटैक ऑफ सॉल्वेंट, और लास्ट में मिक्सचर्स को पहचान, मिक्सचर में स्पेसिस को पहचानना। तो पैरा पोजिशन पर अटैक, ऐसे देखो मैंने हेडिंग दे करके बताया और बोला है कि हम इसे किस नाम से ज्यादा फेमस बनाए हुए हैं, हम इसे क्लासरूम में डिस्कस करते हैं, कॉन्जुगेटेड पोजीशन पर अटैक के नाम से। कॉन्जुगेटेड पोजीशन पर अटैक, है ना। तो क्या है ये भाई कॉन्जुगेटेड पोजीशन पर अटैक? क्या है, क्या आखिर क्या है भाई? ये पोजीशन है, ये देखिए ये पोजीशन, ये बेस का अटैक कराइए ना यहां पर, वो अटैक। तो बेस का अटैक होगा तो क्या बनेगा यहां पर? बनेगा ना। अब आप यहां रेजोनेंस होते हुए देखिए, कर दिया रेजोनेंस, रेजोनेंस करेंगे तो अल्टरनेट पे चला जाएगा, फर्दर रेजोनेंस करेंगे ओ माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो ये दिख रहा है कि यहां पैरा पोजिशन पे अगर आपने अटैक करवाया यार ये नजर लगा दी किसी ने, पानी की बॉटल पड़ी किसी के पास? हाँ जी, किसी के पास पड़ी हो तो दे दो, गड़बड़ चल रहा है हाल, नजर लगा दी किसी ने। चलो कोई नहीं, अभी तो दम है काफी, हमें शुरू करते फिर से। क्या बोल रहे थे कि पैरा पोजीशन पर अगर आप अटैक कराएंगे ओहो नजर लगाने वालों बहुत बुरा होगा। अपनी बॉटल भी मिली थी यार कहीं फेंकी हुई। चलो कोई नहीं, मुझे लगता है कि जितना मैं बोलूंगा उस वो नॉइज जो है इतनी काफी है कि आप बिल्कुल आपके काम छोड़ रहे होंगे। ठीक है, तो पैरा पोजिशन पर अटैक, कॉन्जुगेटेड पोजिशन पर अटैक बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसी का एक दूसरा फॉर्म मैं यहां पर बना रहा हूं, CH3CH डबल बॉन्ड CHCOH। दिखा, ये है C डबल बॉन्ड, उसके बाजू वाले को आप अल्फा बोलते हैं। तब देखो आप अल्फा बोल नहीं पाओगे, इस पे कुछ कर नहीं पाओगे क्योंकि ये डबली बॉन्डेड हो गया। अब अगर ये अल्फा था तो ये बीटा था तो ये गामा। मुझे पता है कि इस पोजीशन का अल्टरनेट पोजीशन ये है और अगर आपने इस पे बेस का अटैक कराया तो बेस जो है वो यहां से हाइड्रोजन हटाएगा। अरे बुरे हाल हो गए। CH2- CH डबल बॉन्ड CH C डबल OH, है ना। ये रेजोनेंस में जाएगा, ये पाई बॉन्ड आगे मूव करेगा, दिखा। तो क्या बन जाएगा? अरे बाप रे, मेरी आवाज मुझे खुद ही नहीं पहचानने आ रही है, बुरी तरह से फंस गई है, बट फिर भी हम लगे रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं कोई नहीं क्या है कि CH3 जो कि एक्चुअली अल्फा पोजीशन पर नहीं है बट कॉन्जुगेटेड पोजीशन पर है, बेस ने उस पर अटैक किया। अब बोलेंगे बेस ने उस पर अटैक क्यों किया? भाई बेस ने इसलिए अटैक किया क्योंकि वो एसिडिक है, और एसिडिक क्यों है? क्योंकि देखिए उस पर आने वाला निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा, तो हर वो निगेटिव चार्ज जो रेजोनेंस में जाएगा वो क्या है? एसिडिक है ना।
तो एसिडिक है तो साबित हो गया, बाद में जो एनायन बनाया वो प्रूफ कर देता है कि एसिडिक है, रेजोनेंस में चला गया। अब क्या होगा यहां के बाद आप रेजोनेंस कराएंगे तो देखिए ओपे माइनस आ गया, तो ओपे माइनस आ गया तो इनॉल बन जाएगा ना, बिल्कुल बनेगा इनॉल, बिल्कुल बनेगा। ये क्या है, इनॉल ही तो बनने जा रही है, इन और ऑल यानी कि डबल बॉन्ड और अल्कोहल दोनों दिख रहे हैं यहां पर, दोनों मिल जाएंगे ठीक है। तो जैसे ये पैरा पोजिशन वाला है वैसे ये भी है। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्यों नहीं बोलता कि पैरा फैरा बोलना सीखो, कॉन्जुगेटेड बोलना अच्छी बात है, यहां भी कॉन्जुगेटेड बोल सकते हो, यहां भी कॉन्जुगेटेड बोल सकते हो, यहां पैरा बोल सकते हो, यहां नहीं बोल सकते, ज्यादा अच्छा टर्म क्या कॉन्जुगेटेड। हम ज्यादा यूज करेंगे कॉन्जुगेटेड पोजिशन पर अटैक, ठीक है देख लो ये हो गया कॉन्जुगेटेड पोजिशन पर अटैक। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, अल्फा और कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन को पहचानने में अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए स्पेशली, मुझे हमें पता है कि कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन पर अटैक, कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन को पहचानने में ट्रबल होती लोगों को, तो मेन फोकस हमारा इस बात पर रहेगा कि कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन आप पहचान लो ताकि उस पर अटैक करा, अटैक करा करके निगेटिव चार्ज लॉस कर रेजोनेंस करने आपको आना चाहिए, है ना। देखो आइडेंटिफाइंग अल्फा हाइड्रोजन एंड कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन एंड कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन। पहले आसान से कोई एग्जांपल उठाते हैं, देखो आसान से एग्जांपल उठा रहे हैं हम, अल्फा हाइड्रोजन कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन, मान लो कि इसी सेकंड वाले में थोड़ा वेरिएशन कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं ठीक है। फोर्थ वाले में देखो हमने सिक्स मेंबर रिंग बना लिया, डबल बॉन्ड ओ बना दिया यहां पर। फिफ्थ वाले को थोड़ा सा हम लेंदी कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं ना? थोड़े चेंजेस करते हैं, रिंग का साइज बढ़ा देते हैं, ग्रुप्स और ज्यादा लगा देते हैं। अब जो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे वो थोड़े लेंथी बना लेते हैं, अक्सर इस तरह के भी लेंथी मॉलिक्यूल देकर के हमें तंग करते हैं, होता जाता कुछ है नहीं। आप बस ध्यान दो ना ऑर्गेनिक, तो बस केयरफुल रहने की चीज, आप केयरफुल रहोगे, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखोगे, सावधान रहोगे, बात बन जाएगी, उसके लिए ठीक है। चलो ये 10 एग्जांपल इसी से बात क्लियर हो जाएगी, अगर आपको फिर भी लगता है तो चलो एक और एग्जांपल साथ में ले लेते हैं ठीक है। चलो देखो क्या क्या होने वाला है, आप ट्राई करके देखो, मुझे तो यार ब्लू वाला मार्कर ही पता नहीं मैंने कहा रख दिया, कोई नहीं चलो ध्यान दो, ये सब चीजें होती रहती है। अगर हमें अल्फा हाइड्रोजन ढूंढना है तो अल्फा हाइड्रोजन हम हमें पता है कि सी डबल बॉन्ड की जस्ट एडजेसेंट वाला होता है, देखो यहां पर है ना, दो अल्फा हाइड्रोजन इस साइड और दो अल्फा हाइड्रोजन यहां पर, कॉन्जुगेशन में कोई है नहीं तो इसीलिए अल्फा हाइड्रोजन का आंसर है 4। यहां पर भी आप देखोगे कि दो अल्फा हाइड्रोजन और दो अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने है 4। यहां आपको दिखाई देगा अल्फा हाइड्रोजन दो है यहां पर, और इस साइड से आप चलोगे तो देखो कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन दो है यहां पर, क्योंकि यहां पर जो आप निगेटिव चार्ज लाओगे ना वो निगेटिव चार्ज देखो अल्टरनेट मूव करेगा, यहां चला जाएगा और यहां से फिर ऑक्सीजन पे चला जाएगा ठीक है। तो अल्फा है यहां पर दो, कॉन्जुगेटेड को कौन लिखेंगे, कौन कितने दो, देखिए यहां पर है अल्फा दो सही है ना, और कॉन्जुगेटेड है दो, मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल कैच कर रहे होंगे क्योंकि बहुत इजी है ये। और बताओ यहां पर बताओ, अल्फा नहीं है डबल बॉन्ड आ गया, कॉन्जुगेटेड ये वाला होना चाहिए, बिल्कुल होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है लेकिन कॉन्जुगेटेड है, कौन लिख दिया मैंने ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं
नहीं है। फिर डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, अल्फा हाइड्रोजन ब्लॉक्ड हो गया, कोई नहीं अल्फा हाइड्रोजन, यहां कॉन्जुगेटेड दो दो दिख रहे हैं। सही है, कॉन्जुगेटेड अल्फा हाइड्रोजन ब्लॉक्ड और नीचे कॉन्जुगेटेड भी ब्लॉक्ड, और यहां वाला भी फिर कुछ होगा नहीं, ये वाला कार्बन का हाइड्रोजन हटेगा नहीं, कुछ होगा। टाउटोमेरिज्म हो ही नहीं सकता, बेस का अटैक हो ही नहीं सकता, OH- का अटैक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ना तो अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं होगा, ना तो अल्फा हाइड्रोजन है, ना ही नहीं कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन है ना, ना तो अल्फा हाइड्रोजन है ना ही कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन है। बिल्कुल सही बोला ना, बिल्कुल सही बोला। आ जाओ आठवें में, देखो क्या सी डबल बॉन्ड के बाजू में कोई अल्फा हाइड्रोजन है? बिल्कुल है, छुपा यहां पर है, इधर नहीं है, यहां चले आगे बढ़े कुछ नहीं है, आगे बढ़े कुछ नहीं है, देखिए यहां पर है, आगे बढ़े कुछ नहीं का मतलब यहां नहीं था, यहां नहीं था। आप अगर इस पे और इस पे शक करना तो कर लीजिए, करके देख लीजिए क्या यहां पर वाले का अगर हाइड्रोजन हटाएंगे तो जो निगेटिव चार्ज है, देखिए निगेटिव चार्ज इधर नहीं जाएगा, निगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, जबकि ऑक्सीजन पे जाएगा तभी हम मानेंगे कि इनॉल बनेगा। इनॉल तभी बनता है जब ऑक्सीजन में निगेटिव पहुंच पाए, इससे नहीं होगा। क्या इससे होगा? इसके चांसेस लग रहे हैं, यहां से निगेटिव चार्ज रेड्यूस करके यहां जाएगा और यहां से फिर यहां चला जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो गया? कॉन्जुगेटेड। सेम चीज इसके साथ, ये भी क्या है? कॉन्जुगेटेड। कितने यहां पर? दो। यहां पर कितने थे? तीन, है ना, तीन बना देते हैं। इस वाले केस में कॉन्जुगेटेड आ जाएंगे पांच, अल्फा आ जाएगा कितना? एक। सही है, चलो डन। नाइन्थ में आए, अल्फा ब्लॉक्ड, अल्फा ब्लॉक्ड, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, कहीं नहीं मिला, यहां मिल गया। देखिए यहां जो निगेटिव चार्ज लगाइएगा हाइड्रोजन हटा करके, वो निगेटिव चार्ज अल्टरनेट में यहां मूव करेगा, यहां से यहां मूव करेगा और फिर मूव करके कहां चला जाएगा? ऑक्सीजन पे। इसका मतलब ये क्या है? कॉन्जुगेटेड। ठीक है, फिर इसी तरह से चले हम, क्या ये कॉन्जुगेटेड होगा? बिल्कुल सही पहचाना, ये भी कॉन्जुगेटेड होगा क्योंकि यहां का निगेटिव चार्ज मूव करके यहां जाएगा और यहां से आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा और ऑक्सीजन पर पहुंच जाएगा, तो ये भी कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेटेड आ गए चार। आगे देखिए, फिर यहां पर ऑक्सीजन था, इसके लिए इससे चलते गए चलते गए चलते गए, जहां बंद हुए वहां पर रुकेंगे और देखेंगे कि क्या यहां का निगेटिव चार्ज रेजिस्टेंस में जाकर के पहुंच पाएगा ऑक्सीजन पे। तो चलते गए अल्टरनेट पे, मूव कराते गए कराते गए और पहुंच गए, इसका मतलब ये कॉन्जुगेटेड है। कितने आ गए यहां पे कॉन्जुगेटेड? दो आ गए। और इसी तरह से चले यहां पर, ये वाला भी क्या आ जाएगा? कॉन्जुगेटेड आ जाएगा। टोटल कॉन्जुगेटेड कितने आ गए? चार। इनके पास बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग में तो कुछ होगा नहीं, कोई अल्फा नहीं है, कोई कॉन्जुगेटेड नहीं है, यहां दिख रहा है अल्फा, देखिएगा तीन अल्फा यहां पर सी डबल बॉन्ड के एडजेसेंट, ठीक है, है ना। ऐसे बड़ा इजी है, क्लास में आप लोगों ने देखा हुआ है, तो क्लास में आपने देखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने बस एक रिवीजन के लिए फिर से एग्जांपल दे दिए। ओके चलो, अब क्या है हमारा अगला टॉपिक, बड़ा इंपॉर्टेंट भाई, सॉल्वेंट का अटैक कराना है। तो पहले तो सॉल्वेंट का अटैक ना आपको याद हो जाना चाहिए, इतनी बार क्लास में हमने डिस्कस कर लिया है कि सॉल्वेंट का अटैक क्या करता है, फाइनली किसी निगेटिव चार्ज यानी कि एनायन वाला जो स्पीशीज है, एनायनिक स्पीशीज होगा, उसको प्रोटोनेट करके न्यूट्रल बना देगा, है ना। तो प्रोटोनेट करके न्यूट्रल बना देगा, प्रोटोनेट करके न्यूट्रल बना देगा, उसके एग्जांपल देखते हैं। तो अटैक ऑफ सॉल्वेंट, यार गला तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा, क्या हो गया ये, और ट्राई करते एक बार नहीं चलो कोई नहीं यार, कैसे भी बर्दाश्त करो, देखते जाओ बोर्ड पे आवाज को इग्नोर करो। अटैक ऑफ सॉल्वेंट H2O D2O, तो अटैक ऑफ सॉल्वेंट क्या पर्पस है भाई? पर्पस प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन मींस अटैच कराएगा हाइड्रोजन और
ड्यूटेरियम फ्रॉम डी टू इंटू अनायन, सो दैट फाइनल आंसर इज न्यूट्रल। फाइनल आंसर न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं और हम सीधे साइक्लिक पे चल रहे हैं, हम नॉन साइक्लिक कम लेंगे क्योंकि साइक्लिक वाले में लोग बहुत रोते हैं, बहुत रोने का काम करते, इसीलिए साइक्लिक वाला यूज करें, साइक्लिक पे करें, साइक्लिक पे काम ज्यादा की OH- माइनस का अटैक किया। रोने वाले लोग के लिए चलिए DO- माइनस का भी यूज कर लेते हैं, उससे भी दो पाथ दिखाएंगे, बेस के रूप में ये भी दे सकते हैं। तो OH- माइनस का अटैक कराएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया, बेस ने अटैक किया, माइनस H2O निकला, ठीक है। अब यहां पर हमने सॉल्वेंट में D2O लगाया, सॉल्वेंट में D2O लगाएंगे तो आपको पता है कि D2O ऐसा दिखता है, DOD, D टूट करके जाकर के यहां जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देखिए यहां पे D, यहां पे पहले से दो H थे, दो हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन हटा था और एक हाइड्रोजन बचा था, अब एक B लग गया है और एक H है, ठीक है। अगर ऐसा हो गया कि यहां पर सॉल्वेंट D2O नहीं दिया था, H2O दिया था, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो पहले आपके पास रिएक्टेंट था वही वापस जेनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन भाई अगर ना आपको देखो क्वेश्चन जो टाउटोमेरिज्म में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन एक्चुअली देखो किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, दो मेन डिवीजन टाउटोमेरिज्म के क्वेश्चन पूछने का ना दो मेन तरीका है। एक तरीका जिसमें कि वो जज करते हैं, चेक करते हैं कि आप कीटोसिनॉल कैसे बना सकते हैं, कीटोसिनॉल बना सकते हैं तो इनॉल कितना ज्यादा होगा, कीटो फॉर्म कितना ज्यादा होगा, एक ये तरीका है। इस पे डिस्कशन चलते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं। किस तरह का, मैंने एक बार फिर से बोल देना आपको क्या, कि एक होता है टाउटोमेरिज्म में कि कीटो फॉर्म से इनॉल बनाइए और फिर कंपेयर कीजिए कि इक्विलिब्रियम पे कौन ज्यादा आएगा, कीटो या इनॉल, कीटो या इनॉल, पूछते रहेंगे इनॉल कॉन्टेंट बताओ, इनॉल कॉन्टेंट बताओ, ऐसे चलेगा, ठीक है। एक दूसरा होता है जिसमें क्या करते हैं ना, D2O डाल करके ड्यूटेरियम ऑक्साइड डाल करके ये चेक करते हैं कि ड्यूटेरियम लगाने का सही तरीका क्या होता है, आपको आता है ये भी। और ये बहुत फंसाने वाला होता है, इसमें बहुत फंसते हैं। तो मैं शुरू से ही मेरे लेक्चर में मैं क्या करता हूं ना, D2O को ड्यूटेरियम को साथ साथ दिखाता रहता हूं ताकि आप कंफर्टेबल हो, ताकि आपको समझ में आता रहे कि भाई ड्यूटेरियम कोई अजीब चीज नहीं है, नॉर्मल, आसानी से आप समझ सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन का फंक्शन वैसे ड्यूटेरियम का फंक्शन है। फर्क इतना है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कमजोर है और कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है ना स्पेशीज में, तो हमेशा जब भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड में चूज करने कहेंगे आप मॉलिक्यूल को, वो कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड चूज करेगा क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ना कन्वर्ट करना कार्बन ड्यूटेरियम में आसान होता है, बेस डालिए उसके बाद ड्यूटेरियम ऑक्साइड डालिए, ड्यूटेरियम का सोर्स डालिए, लीजिए जैसे भी हाइड्रोजन है वो हट जाएगा और ड्यूटेरियम लग जाएगा, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ड्यूटेरियम एक्सचेंज। तो जब भी D2O देगा अगर क्वेश्चन में टाउटोमेरिज्म के श्योर होता है तो वो ना चाहता है कि आप दिखाओ ड्यूटेरियम एक्सचेंज करके। तो हमने बेसिकली यही काम किया, दो में से हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन हटाया है या निगेटिव आया है और उस निगेटिव पे ड्यूटेरियम जाकर लग गया, ठीक है। फिर मैंने साथ साथ पैरेलली ये बताया कि कोई बच्चा अगर ये पूछे कि सर D2O के जगह पर H2O अगर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन वापस लग जाएगा, बिल्कुल वापस लग गया है ना, बिल्कुल। तो वापस आपको वही स्पेसिस मिल गया, तो जब वापस वही स्पेसिस मिल गया तो डिस्कशन का कोई फायदा हुआ नहीं, हुआ रिएक्टेंट वापस आ गया, तो H2O का डिस्कशन करके इसमें कोई फायदा नहीं होता। अलग कुछ है अगर तो वो क्या है, वो है D2O से मिलेगा आपको। बट किसी ने बोला कि नहीं, मैंने ना आप बताओ कि इससे क्या फाइनल आंसर आएगा, OH- और H2O ये दोनों दिया हुआ है। भाई जब भी तुम ऐसा दिखाओगे, इसको ऐसा दिखाने का पर्पस होता है ना, देखिए ये जो स्पेसिस होता है इधर जो डाला गया वो कैटलिस्ट है, जो टाउटोमेरिज्म होता है वो एसिड बेस कैटलाइज्ड होता है, तो ये कैटलिस्ट होता है, इसके सिर्फ फ्यू ड्रॉप्स मिल रहे हैं आपको, अभी मैं इस बात पर एक बार और डिस्कशन करूंगा इसके बाद। ये हमारा सॉल्वेंट, अभी हमारा जो टॉपिक वो सॉल्वेंट का अटैक है। तो देखो OH- माइनस का यूज क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन हटाना, अगर उसके बाद H2O लगाओगे तो आप तो बोलोगे कि ये वापस जेनरेट हो जाएगा, लेकिन देखो आपको ना ऑप्शन से पता चलेगा कि क्वेश्चन चाहता क्या है, क्या वही स्पेसिस वापस बनाना चाहता है, इनॉल बनाना चाहता है, ड्यूटेरियम एक्सचेंज चाहता है, ऑप्शन ये क्लियर कर देता है।
अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं भी है फिर भी ये क्वेश्चन से क्लियर होता है, क्वेश्चन हम बनाएंगे देखें क्लियरिटी रहेगी। ऐसा नहीं होता है कभी कि हमें ढूंढना पड़ता है कि टाउटोमेरिज्म में इनॉल बनाने की बात कर रहा है कि ड्यूटेरियम एक्सचेंज की बात कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, क्लियरली दिखता है। मैंने अभी कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन तो उठा के दिया नहीं है, अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट बना के दिखाओ, प्रोडक्ट बना के दिखाओ, या अगर ड्यूटेरियम या फिर सॉल्वेंट का अटैक होगा तो क्या प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक है, तो एक बार फिर मैं बताऊँ की स्पेसीज इस पे ओ एच माइनस का अटैक हुआ है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया है, उस पर डी टू लगाओगे तो डी लग जाएगा, अगर एच टू लगाओगे तो एच लग जाएगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये स्पेसीज आगे रेजोनेंस में चला जाए, और अगर रेजोनेंस में गया तो रेजोनेंस में जाने पे ओ पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो हो सकता है कि इसी जगह पे ड्यूटेरियम लग जाए, ऐसा नहीं भी हो सकता है यहां ड्यूटेरियम नहीं लगा तो इस रास्ते नहीं गए, नेगेटिव चार्ज से रेजोनेंस आ गया तो इधर चले गए। बोलेंगे कि ये, अब बोलेंगे कि ये क्या हो रहा है, वो भी हो सकते हैं, अरे तो क्यों नहीं हो सकता है। आप निकले घर से कहीं जा रहे हो, है ना, आप जा रहे हैं किसी मिठाई की दुकान पर, भाई लॉकडाउन चल रहा है, लोग बहुत दिन से मिठाई नहीं खाई, मिठाई के लिए दुकान पे जा रहे हैं, एक रास्ता जाम मिल गया तो आप दूसरा रास्ता पकड़ेंगे ना, पॉसिबिलिटी है ना अलग अलग रास्ते से जाने की, तो ये पॉसिबिलिटी है। और देखिए दिए गए आपके, आपको जो रिएक्शन मिक्सचर दिया हुआ है उसमें ये जो कीटोन दिया हुआ है तो कीटोन का एक ही मॉलिक्यूल दिया गया क्या, नहीं, इसके कई सारे मॉलिक्यूल दिए गए। एक मॉलिक्यूल हो सकता है कि इस रास्ते से चला जाए, हो सकता है दूसरे की किस्मत में ये रास्ता ना हो, एक दूसरा जो है वो यहां तक पहुंचा लेकिन इधर से चला गया। हम लोग सभी अगर मिठाई की दुकान पर जा रहे तो क्या जरूरी है कि सभी एक ही रास्ते से जाएंगे, नहीं, कोई एक मॉलिक्यूल एक रास्ते से जाएगा लेकिन सारे मॉलिक्यूल उसी रास्ते से चले जाए ऐसा नहीं होता ना। तो पॉसिबिलिटी हमेशा होती है कि कुछ अलग भी मिल सकता है, और ऑर्गेनिक रिएक्शंस में तो ये बहुत डिस्कशन होना है, यही तो मैकेनिज्म का पार्ट है कि ऐसा भी रास्ता अपना सकता है मॉलिक्यूल, ऐसा भी रास्ता अपना सकता है। अगर थोड़ी सी भी प्रोबेबिलिटी है किसी रास्ते के अपनाने की तो वो बात दिखाई देगी आपको रिएक्शन के मिक्सचर में, आपको दिखेगा रिएक्शन के मिक्सचर में कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। अब जो मेजर प्रोडक्ट होता है उससे हम अंदाज लगाते हैं कि अच्छा ज्यादातर मॉलिक्यूल इस रास्ते से जाने की कोशिश कर रहे हैं तो इस रास्ते में कुछ खास बात होगी कि सबको खींच रहा है ये रास्ता, है ना। और फिर भी आपको अगर माइनर प्रोडक्ट के रूप में स्पेसिस दिख रहे हैं तो आप सोचते हो कि भाई ये माइनर प्रोडक्ट बना है तो कैसे बना होगा, कौन सा रास्ता अपनाया होगा। तो मान लो मैंने बोला कि देखो मुझे ना दोनों तरह के स्पेसिस, दोनों स्पेसिस मिले हैं रिएक्शन के मिक्सचर में, प्रोडक्ट के मिक्सचर में, ये स्पेसिस भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, तो तुम क्या बोलोगे कि अच्छा कुछ मॉलिक्यूल्स ने ये रास्ता अपना लिया, कुछ मॉलिक्यूल्स ने ये रास्ता अपना लिया, ऑब्वियसली यही बोलोगे। तभी तो कुछ मॉलिक्यूल इस शक्ल में फाइनल प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट हो गया और कुछ इस रूप में कन्वर्ट हो गया। ये और ये दोनों अगर मिक्सचर में मिलते हैं तो उसका क्या रीजन होगा, कुछ मॉलिक्यूल्स में ड्यूटेरियम यहीं पर अटैक कर गया, डी2 यहीं पर अटैक कर गया, कुछ में रेजोनेंस के बाद अटैक किया। अगर रेजोनेंस के बाद अटैक किया है तो ये देखो ड्यूटेरियम एक्सचेंज भी हुआ है और इनॉल भी बना है, इनॉल प्लस ड्यूटेरियम एक्सचेंज, है ना, लेकिन इसमें इनॉल नहीं बना, इस वाले में क्या हुआ, ओनली ड्यूटेरियम एक्सचेंज, ओनली ड्यूटेरियम एक्सचेंज, ओनली ड्यूटेरियम एक्सचेंज, ठीक है, ओनली ड्यूटेरियम एक्सचेंज, समझ गए ना। तो आप ना ये देखो टाउटोमेरिज्म में ये पॉइंट ही सबसे धाकड़ पॉइंट है, क्योंकि अब पहली बार कोई भी बच्चा जो जब पढ़ता है टाउटोमेरिज्म तो एक्चुअली वो मैकेनिज्म को ना पहली बार देखता है ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म को, यही इसी वजह से तो क्या होते हैं ये बेस बनाते हैं आपके ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म को समझने का। और बड़ी आसान है सब चीज और यहाँ पे बस बेस का अटैक करना है, फिर बाद में जो सॉल्वेंट आ रहा है सॉल्वेंट क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है रिजल्ट उस पर फोकस करता है, ठीक है। तो मैं एक बार लास्ट डिवीजन करा रहा हूँ, OH- माइनस का अटैक होगा या सेसिलिक हाइड्रोजन हटेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, D2 हो सकता है यहीं पर अटैक कर दे या इसके रेजोनेंस के बाद अटैक करेगा, अगर रेजोनेंस के बाद अटैक करेगा तो ये रास्ता फॉलो होगा, प्रोडक्ट ये आएगा जिसमें इनॉल भी है ड्यूटेरियम एक्सचेंज भी है, लेकिन इस रास्ते में इनॉल नहीं बन पाया, ड्यूटेरियम यही लग गया और इसे बोलेंगे सिर्फ ड्यूटेरियम एक्सचेंज वाला प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट बना है ये प्रोडक्ट फर्दर फिर से एक बार और अटैक में जा सकता है बेस से, जिसे फिर से एक बार और हाइड्रोजन हटेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा और फिर से यहाँ पे ड्यूटेरियम लग सकता है या रेजोनेंस करके ड्यूटेरियम लग सकता है। यानी कि अगर आपके
दिए गए मॉलिक्यूल में दो एसिडिक हाइड्रोजन था तो बाबू दोनों बारी बारी से हट सकते हैं और दोनों बारी बारी से हट करके वहां पर ड्यूटेरियम लग सकता है। तो आपको ऐसा भी प्रोडक्ट मिलने वाला है जिसमें के सारे एसिडिक हाइड्रोजन हट जाएंगे और ड्यूटेरियम लगा होगा उनकी जगह पर। अच्छा एक बात होता है, दो ही एसिडिक हाइड्रोजन थोड़ी ना इस मॉलिक्यूल में, दो एसिडिक हाइड्रोजन यहां पर भी तो है। तो अगर मान लो कि मैंने ये बोला कि भाई देख मैंने ना OH माइनस लगाया था, उसके बाद D2O लगाया था, तो मुझे फाइनल एक प्रोडक्ट बना दे। अक्सर क्वेश्चन ही काम करेगा, बोलेगा फाइनल प्रोडक्ट बना दे, और ऑप्शन में क्या करेगा, वो स्पेसिस भी बनाएगा, वो स्पेसिस बनाएगा और फिर ये स्पेसिस भी बनाएगा। देखना देखा क्या कर दिया, एक ऐसा स्पेसिस बनाया जिसमें सारे एसिडिक हाइड्रोजन हट गए और ड्यूटेरियम लग गया। ये भी दिया है, तो अगर क्वेश्चन में ये पाथ दिया है OH माइनस D2O, ऑप्शन ये भी दिया है, ऑप्शन ये भी दिया, ऑप्शन ये भी दिया, हम इसे चूज कर लेते हैं सिंगल करेक्ट में। क्यों? क्योंकि ना यहां देखो इसी के मेजर होने के चांसेस हैं। क्यों मेजर होने के चांसेस है कि भाई देखो पहले कीटो और इनॉल में जनरली कीटो, देखो इनॉल इनॉल के आने के चांसेस ऐसे ही कम हो गए क्योंकि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है जनरली। जब तक कि इनॉल एरोमेटिक नहीं होगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, इनॉल डोमिनेट नहीं करता, कौन डोमिनेट करता है, कीटोन। तो कीटो फॉर्म के डोमिनेट होने के चांसेस हो गए, है ना। तीन ऑप्शन में से इसको सबसे पहले साइड किया, इन दोनों में देखो, इन दोनों में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और चार स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का कंपैरिजन है, मॉलिक्यूल चार स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाला ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब इसका एग्जिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, समझे। तो ज्यादा सीडी बॉन्ड्स मीन्स ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनने की, समझे, ऐसे चल रही बात है, ठीक है। तो ज्यादा नीचे तो नहीं हो गया ना, देख लिया जाए, ओ बिल्कुल सही सही जा रहा है। चलो ठीक है बच्चों, तो हमने ना काफी लंबी वीडियो बना ली ऑलरेडी 37 मिनट्स की, इसे यहीं पर बंद करते हैं। देखो आप इसमें ये दोनों जो हमने पार्ट सीखे, इसके बाद फिर हम अगले वीडियो में क्या करते हैं कि जो बाकी जो दोनों पॉइंट बचे हैं वो भी आपको क्लियरली समझाते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस वाला सेक्शन भी करेंगे। टॉटोमेरिज्म इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने बार बार बताया क्योंकि मैकेनिज्म का बेस, इसको अच्छा कीजिए, ठीक है। और मैंने एक और छोटी वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि कैसे टॉटोमेरिज्म को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, इस पर डिस्कशन किया था। क्या चलो आप क्या करोगे, दोनों पॉइंट्स को अच्छे से सीखो, आगे दोनों पॉइंट्स को हम उसके बाद वाले पॉइंट्स को डिस्कशन करेंगे। आप कॉपी और पेन पर जैसे जैसे मैंने अटैक कराया, जैसे जैसे प्रोडक्ट्स बनाए, जो जो बातें की हैं उनको लिखो, और ये वाला पॉइंट जब डिस्कस किया बहुत जरूरी है, जो हमारा एक्चुअली ये सेकंड पॉइंट चल रहा है, जो फोर्थ पॉइंट है ना मिक्सचर्स को समझना, मिक्सचर में कौन कौन से स्पेसिस होते हैं उसको समझना यार, वो क्लियर तभी होगा जब ये वाला पॉइंट आपको आपके दिमाग में होगा, ठीक है। इस पॉइंट को बार बार रिवाइज करना, अच्छे से समझना, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में डालना, डायरेक्टली पूछ लेना, ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है। चलो ऑलरेडी यहाँ पर बंद करते हैं।